झालो कलावंत मनुनी जन्मासी आलो आईच्या पदराखली मातृभूमीच्या ऋणाची अमृत प्यालो। कवि सुशील की ये काव्य पंक्तियां ऐसी लगती है कि बेशक नागपुर की नालंदा लोक कला मंच के कलाकारों के लिए ही लिखी गई हो। G20 शिखर सम्मेलन जिसने दुनिया का ध्यान खींचा और G20 की भारत की अध्यक्षता निश्चित रूप से एक दुध शर्करा योग है जो 75वें अमृत जयंती वर्ष के भव्य उत्सव के साथ मेल खाता है। जहां पूरा देश भारत की इस सराहनीय पहल की तारीफ कर रहा था उसी दौरान भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत की मिट्टी से लोक कलाकारों का चयन करने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से दुनिया को इस देश की लोक संस्कृति से रूबरू कराने का काम जारी है। उनमें से यह कहा जा सकता है कि लोक कला की विरासत को संजोए रखने वाले नागपुर के इस कलाकारों ने महाराष्ट्र की लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर विदर्भ का गौरव बढ़ाया है। उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र दिमापुर की ओर से भारत सरकार के माध्यम से सांस्कृतिक मंत्रालय ने हाल ही में 17 से 19 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश के 6 राज्यों के लोक कलाकार अपनी लोक कलाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे। इस उद्देश्य के लिए भारत को जानो नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वंदिश ने नालंदा लोक कला मंच के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। विदर्भ में गढ़चिरौली नागपुर भंडारा चंद्रपुर जैसे नक्सल प्रभावित दूरस्थ क्षेत्रों के कलाकारों ने नालंदा लोक कला मंच के माध्यम से लोकधारा लावणी लोक कला नृत्य कोली नृत्य और महाराष्ट्र के जोगवा तीनों प्रकार के लोक नृत्य का प्रदर्शन किया और G20 के मंच पर परचम लहराया। NBCN न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।